हेलो स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर अबाउट द मेनी इंपॉर्टेंट कंपिटेटिव एग्जामिनेशन. ओके, बिकॉज इट इज अ प्रोसीज्यूर टू फाइंड द टाइप ऑफ द फीडबैक इन द गिवन सर्किट एंड जनरली इट इज आस्क्ड इन वेरियस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, गेट, ईएस, जेई, एसएससी, जेई लाइक दैट. ओके, नाउ हम लोग फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ लिए, लेकिन जो गिवन सर्किट है उसमें हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा फीडबैक है. करंट सीरीज फीडबैक है, करंट शंट फीडबैक है, वोल्टेज सीरीज फीडबैक है, वोल्टेज शंट फीडबैक है. ओके, देट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द प्रोसीड्यूर और स्टेप्स. ओके, टू फाइंड द टाइप ऑफ फीडबैक इन द गिवन सर्किट. इन ए गिवन सर्किट देयर मे बी द सिंगल फीडबैक और मल्टीपल फीडबैक. इफ देयर इज सिंगल फीडबैक देन दैट इज कॉल्ड लोकल बैक, लोकल फीडबैक. इफ देयर इज मल्टीपल फीडबैक, ओके, देन दैट इज द फीडबैक. मल्टीपल फीडबैक मे बी प्रेजेंट इन द इन एन एम्पलीफायर, लाइक इन द एग्जांपल 4. ओके, बट एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, दैट इज द लोकल फीडबैक. ओके, नाउ स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स. ओके, रेस्पॉन्सिबल फॉर द फीडबैक. एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना. ओके, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद ओके, अब उस फीडबैक एलिमेंट को देखना है. ओके, वो डायरेक्टली कनेक्टेड आउटपुट नोड के साथ है. अगर आउटपुट नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है then it indicates the voltage sampling. Okay, otherwise it is the current sampling. यानी कि नोड के साथ directly connected है. जैसा अगर फीडबैक एम्पलीफायर को आप देखेंगे तो नोड के साथ directly connected है, दोनों नोड के साथ. Okay, दोनों नोड के साथ. Okay, दोनों दो टर्मिनल निकलता है एम्पलीफायर से, तो दोनों नोड के साथ. Okay, वही करंट में आप देखेंगे सिंगल के साथ कनेक्टेड. Okay, अगर आउटपुट नोड में से आपका कनेक्टेड है, okay, डायरेक्टली कनेक्टेड है, देन दैट इज द वोल्टेज सैंपलिंग. अदरवाइज इट इंडिकेट्स करंट सैंपलिंग. जस्ट रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो मस्ट रिमेंबर राइट टू ऑल ऑफ यू. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कमिट टू मेमोरी. ओके, नाउ स्टेप 3, इफ फीडबैक एलिमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इनपुट नोड. अगर इनपुट नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है देन इट इंडिकेट्स द शंट मिक्सिंग. ओके, याद कीजिए डायरेक्टली दोनों नोड के से कनेक्टेड होगा. जस्ट रिपीट द प्रीवियस वीडियो लेक्चर. ओके, शंट मिक्सिंग, अदरवाइज इट इंडिकेट्स द सीरीज मिक्सिंग. क्लियर? ओके, इनपुट और आउटपुट के साथ मैंने बताया था वीडियो लेक्चर में वोल्टेज और करंट. They indicate with the output node, output of the basic amplifier and input of the feedback network. And series and shunt, they indicate the output of feedback network and input of the basic amplifier. Okay, and basic amplifier may be, there may be the BJT, FET, op amp like that, oscillator may be. Now, identify the type of feedback in the circuit. This is the circuit. Okay. Now, ये RB है, ये CC होगा, ये CB होगा. ओके, दिस वन, ये प्लस VCC, ये V नॉट. ये देखो, हम लोग ये पहले पहचाने कि आउटपुट नोड कौन सा है, इनपुट नोड कौन सा है. तो मैंने बताया था आउटपुट नोड जिसके साथ कनेक्टेड हो, आउटपुट वोल्टेज, दैट इज द आउटपुट नोड. ये आउटपुट नोड हो गया और ये इनपुट नोड हो गया. यानी कि दिस इज द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन. ओके, अब ये तो सारा इसका अपना एलिमेंट है. एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जो बायसिंग है, ये बायसिंग इससे कर रहे हैं आरबी के द्वारा. अब ये देखो, अब ये आइडेंटिफाई हो गया, आरबी इज द, आरबी कॉज इज द फीडबैक. ओके, नाउ आरबी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आउटपुट नोड. आउटपुट नोड यही है ना, दिस इज द आउटपुट नोड. ओके, एंड दिस इज द इनपुट नोड, दिस वन. ओके, आउटपुट नोड के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनपुट नोड के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है. ओके, आउटपुट नोड वोल्टेज सैंपलिंग. जस्ट रिमेंबर,
इनपुट नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ओके, तो शंट वोल्टेज एंड शंट पैरेलल याद रखना है, ओके, पैरेलल में वोल्टेज मेजर करते हैं, देन दोनों का सेम कंडीशन है, डायरेक्टली कनेक्शन है, अगर डायरेक्टली कनेक्शन हो तो वोल्टेज एंड इधर शंट, और अगर नहीं कनेक्टेड है डायरेक्टली देन करंट और सीरीज में लोग करंट को मेजर करते हैं, ओके, देन तो फीडबैक क्या हो गया, वोल्टेज शंट फीडबैक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, हेयर कनेक्टेड टू बेस बायसिंग रीजंस, ये कनेक्टेड टू बेस जो बायसिंग हो रहा है, ओके, कनेक्टेड टू बेस बायसिंग, ओके, रिजल्ट्स इन वोल्टेज शंट फीडबैक इन कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, गॉट इट, कॉमन इमिटर हाउ, ओके, आउटपुट सी से और इनपुट बी से, देन ई इज कॉमन टू बोथ ऑफ यू, अदरवाइज यू कांट ऑब्टेन द इनपुट एंड आउटपुट नोड, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सी द आउटपुट नोड, आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज किसके साथ कनेक्टेड है, ओके, देन जिसके साथ आउटपुट और इनपुट नहीं है वो कॉमन नोड है, नाउ दिस वन, यहां देखो दिस इज द आउटपुट, आउटपुट यहां सी से कनेक्टेड है, ओके, दिस इज द इनपुट, दिस इज द बी, ये भी कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है, ओके, बट ये कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है, ओके, हम लोग यहां पे देखते हैं, अब इसमें देखेंगे फीडबैक, ओके, ये आउटपुट नोड, ये इनपुट नोड, ओके, ये तो बायसिंग एलिमेंट है हमारा, ऑल ऑफ यू नो, ओके, देन आर ई जो है ये इनपुट नोड से भी कनेक्टेड हो सकता है, आउटपुट नोड से भी कनेक्टेड हो सकता है, बट इन दिस केस ये जो आर ई एलिमेंट है, ओके, ये ग्राउंडेड है, तो ये ग्राउंडेड जो है इससे कनेक्टेड होगा, बट ये जो है डायरेक्टली इससे कनेक्टेड नहीं है, इट इज कनेक्टेड थ्रू द आर सी, इट इज कनेक्टेड टू द बेस थ्रू द आर टू, ये R2 के द्वारा कनेक्टेड है बेस से, देन RE causes फीडबैक, बट RE इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आउटपुट नोड, नॉट कनेक्टेड, ओके, जब नॉट कनेक्टेड हो तो करंट सैंपलिंग आउटपुट के साथ, अगर उसी तरह इनपुट के साथ भी नहीं कनेक्टेड है, ओके, इनपुट के साथ नहीं कनेक्टेड है, देन व्हाट, सीरीज मिक्सिंग, हेंस द करंट सीरीज फीडबैक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इस तरह से ये कॉमन इमिटर हो सकता है ये एंड कॉमन सोर्स, कब, जब यहां पे देखो ये सी सी, यहां सी बी है ये, ओके, ये सी सी है, यहां पे सी ई नहीं है, ओके, तो विदाउट बायपास कैपेसिटर, एदर इन द केस ऑफ बीजेटी इट इज द इमिटर बायपास कैपेसिटर सी, इन द केस ऑफ फेट इट इज द सोर्स बायपास कैपेसिटर दैट इज सी एस, ओके, देन विथ बायपास कैपेसिटर हैव करंट सीरीज फीडबैक, ओके, जस्ट सॉरी विदाउट बायपास कैपेसिटर, यहां पर बायपास कैपेसिटर नहीं है, ओके, देन इट हैव द करंट सीरीज फीडबैक, ओके, देयर इज द मिस्टेक इन द राइटिंग, सो सॉरी, नाउ इट इज द थर्ड प्रॉब्लम, अब यहां देखिए, सबसे पहले आउटपुट ई से कनेक्टेड है, इनपुट बी से कनेक्टेड है, देन सी इज द कॉमन, देन इट इज द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर और इमिटर फॉलोअर, तो इन द केस ऑफ बीजेटी इट इज अ कॉमन कलेक्टर, इन द केस ऑफ फेट इट इज अ कॉमन ड्रेन, ओके, कॉमन ड्रेन, ओके, नाउ वी सी, अब यहां पे इस आरई एलिमेंट को देखिए, इस आरई एलिमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आउटपुट, बट इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इनपुट, इट इज कनेक्टेड विद द थ्रू द आर टू, ओके, देन आरई कॉजेस फीडबैक, बट डायरेक्टली कनेक्टेड आउटपुट नोड के साथ सो वोल्टेज सैंपलिंग, बट नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड है इनपुट के साथ, ओके, सो सीरीज मिक्सिंग, तो कैसा फीडबैक हो गया, वोल्टेज सीरीज फीडबैक, क्लियर, पता चल रहा है सबको, नाउ इस तरह से हम लोग देख सकते हैं बीजेटी में मीटर फॉलोअर, ओके, फेट में सोर्स फॉलोअर, या वोल्टेज को जो फॉलो कर रहा है इस वोल्टेज को,
ओके वोल्टेज फॉलोअर सर्किट्स हैव वोल्टेज सीरीज फीडबैक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. ओके हियर दिस इज द सर्किट आर ई आर सी आर बी सी 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 बी. ऑल ऑफ यू नो दिस इज द सी बी सी सी. ओके नाउ अब यहाँ पे आरबी भी है और आर ई भी है. यहां देखो ये आरबी यहाँ पे आउटपुट ए सी से लिया हुआ है और ये इनपुट बी से. तो आरबी आउटपुट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, आरबी इनपुट के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है लाइक दिस. सो इसके कारण क्या होगा? वोल्टेज सर्ट फीडबैक. सीधा एग्जांपल वन. ओके एंड आर ई जो है ओके दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बेस इनपुट. तो डायरेक्टली कनेक्टेड है. ओके डायरेक्टली कनेक्टेड है आर ई इनपुट के साथ. ओके और इनपुट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और आउटपुट के साथ क्या है? आउटपुट के साथ ना आप यहां देख रहे हैं आर ई जो है आउटपुट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. जब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो करंट. ओके ऑफकोर्स मैंने दिखाया यहां पे आर ई यहां पे डायरेक्टली कनेक्टेड है वोल्टेज. आर ई आउटपुट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो करंट. ओके एंड आर ई जो है डायरेक्टली कनेक्टेड होगा बेस के साथ. जब ये बेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है इन दैट केस दिस इज द शंट. ओके देन दे हैव द करंट शंट फीडबैक. क्लियर? ओके शंट अब जहां पे देखेंगे डायरेक्टली कनेक्टेड देन दैट इज द शंट. ओके तो आर बी के कारण वोल्टेज शंट फीडबैक एंड आर ई के कारण करंट शंट फीडबैक. ओके देन हम इससे कंक्लूजन निकाल रहे हैं सर्किट में हैव मल्टीपल फीडबैक. गॉट इट? नाउ अब अगर यहां पे सी भी होता लाइक दैट. ओके दिस इज आर बी. अगर सी होता तो ये तो इसको शॉर्ट सर्किट कर देता. ओके ये इन द प्रेजेंस ऑफ सी ओके इफेक्ट ऑफ आर ई एज नेगेटिव फीडबैक विल नॉट बी देयर बिकॉज ऑफ सी. तो सी होने के कारण इसका इफेक्ट जो होगा नेगेटिव फीडबैक का वहां पे होगा नहीं. जब होगा नहीं तो उस कंडीशन में करंट शंट फीडबैक यहां पे नहीं होगा. जब करंट शंट फीडबैक नहीं होगा देन ओनली वोल्टेज शंट फीडबैक इज ड्यू टू आरबी ओनली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके इन दिस केस जस्ट सी. ओके देन देयर आर ऑल फोर प्रॉब्लम्स एंड ऑल फोर प्रॉब्लम्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो जस्ट रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड अगेन. ओके सो डेट आप समझ पाए फीडबैक होता क्या है. यहाँ पे दो दो कंसेप्ट है. फीडबैक कौन सा है, इनपुट आउटपुट नोड को कैसे पहचानते हैं. देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू. सो मस्ट सी दिस वीडियो लेक्चर. ओके थैंक यू.